मैंने अनेक बार ये देखने की कोशिश की है कि मैं अपने शत्रुओं से घृणा कर सकता हूँ या नहीं, ये देखने की नहीं कि प्रेम कर सकता हूँ या नहीं। और मुझे ईमानदारी किंतु पूरी पूरी नम्रता के साथ कहना चाहिए कि मुझे नहीं ज्ञात हुआ कि मैं उससे घृणा कर सकता हूँ। मुझे याद नहीं आता कि कभी किसी भी मनुष्य के प्रति मेरे मन में तिरस्कार उत्पन्न हुआ हो। मैं नहीं समझ सकता कि यह स्थिति मुझे किस तरह प्राप्त हुई है, परंतु आपसे कहता हूँ कि जीवन भर मैं इसी का आचरण करता आया हूँ। बंधुत्व का अर्थ यह नहीं कि जो आपके भाई बने, जो आप क्यों चाहें उन्हीं के आप भाई बने, ये तो सौदा हुआ। बंधुत्व में व्यापार नहीं होता। मेरा धर्म तो मुझे ये शिक्षा देता है कि बंधुत्व मनुष्य मात्र के साथ नहीं, प्राणी मात्र के साथ होना चाहिए। बात तो मैं ये दिखाने के लिए करता हूँ कि यदि हम अपने शत्रु के साथ भी प्रेम करने के लिए तैयार ना हो तो हमारा बंधुत्व कुछ नहीं, एक ढकोसला है। दूसरी तरह से इसे यूं कह सकता हूँ कि जिसने हृदय में बंधुत्व को स्थान दिया है वह ये कहने का अवसर नहीं देगा कि उसका कोई शत्रु है। सवाल ये होता है कि जो हमें अपना शत्रु समझते हैं उनके साथ प्रेम किस तरह करें। प्रतिदिन मुझे हिंदू, मुसलमान और ईसाई लोगों की चिट्ठियां मिलती हैं, जिनमें वे कहते हैं कि यह बात गलत है कि हम शत्रु को प्यार कर सकते हैं। हिंदू लिखते हैं कि जो गाय हमारे प्राण के समान प्रिय हो उसे मारने वाले मुसलमान के साथ प्रेम किस तरह हो सकता है। ईसाई पूछते हैं कि अस्पृश्यता मानने वाले, अछूत समझकर अपने अपने भाइयों को दलित कहने वाले हिंदुओं के साथ प्रेम किस प्रकार करें। मुसलमान लेखक पूछता है कि बुत परस्त के साथ मोहब्बत कैसे की जा सकती है। तीनों से मेरा यह कहना है कि आपका बंधुत्व बेकार है। यदि आप अपने पत्र में वर्णित लोगों को ना चाह सकते हो, इस तिरस्कार भाव का अर्थ क्या है? इसके मूल में या तो भय है या असहिष्णुता। यदि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, तो एक दूसरे से क्यों डरें अथवा अपने से भिन्न मत रखने वाले से द्वेष क्यों करें? किंतु जिस कृत्य से हम घृणा करते हैं उसे किसी अन्य को करने दें। मेरा बंधुत्व उत्तर देता है हाँ। इसमें इतनी बात और जोड़ता हूँ, आप अपनी बलि चढ़ा दीजिए। यदि आप अपनी प्रिय वस्तु की रक्षा करना चाहते हैं तो बिना किसी पर हाथ उठाए उसके लिए मर जाइए। मुझे ऐसी घटनाओं का अनुभव है। आपके अंदर यदि प्रेम के साथ कष्ट सहने की हिम्मत हो तो आप पाषाण हृदय को भी पानी पानी कर डालेंगे। दृष्टि यदि आपसे सवाया हो तो आप हाथ उठाकर क्या करेंगे? वह आपको जीतकर अधिक दुष्टता करेगा। दुष्टता की आग विरोध के घी से क्या और नहीं धधकती? क्या इतिहास इस बात का साक्षी नहीं, और क्या इतिहास में ही ऐसे उदाहरण नहीं मिलते कि अहिंसा की पराकाष्ठा को पहुंचने वालों ने बड़े बड़े विकराल पशुओं को अपने वश में कर लिया? पर इस पराकाष्ठा की अहिंसा को जाने दे, इसके लिए तो महावीर शूरवीर योद्धा से भी अधिक बहादुरी की जरूरत है। और जिसके प्रति आपके मन में तिरस्कार हो उसके साथ लड़कर मर जाने के डर से बैठे रहने की अपेक्षा तो लड़ लेना अच्छा है। कायरता और बंधुत्व परस्पर विरोधी हैं। यूरोप तथा भारत के कितने ही बड़े बड़े लेखक कहते हैं कि मनुष्य जाति निर्वैर हो जाए, ऐसा समय कभी आ नहीं सकता। इसी बात पर मेरा विवाद है। मैं तो उनसे यह कहता हूँ कि जब तक मनुष्य निर्वैर नहीं होता तब तक वह मनुष्य ही नहीं बन सकता। हम चाहें या ना चाहें हमें इसी रास्ते जाना होगा। और आज मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि लाचार होकर इस रास्ते जाने की अपेक्षा स्वेच्छा से क्यों नहीं जाते। बात जरा विचित्र है कि मुझे ईसाइयों के सामने ऐसी बात कहनी पड़ती है, हिंदुओं के सामने भी यही कहना पड़ता है। कितने ही ईसाई मुझसे कहते हैं कि ईसा का निर्वैरता का उपदेश उनके केवल 12 शिष्यों के लिए ही था।
हिंदुस्तान में अहिंसा के विरोधी कहते हैं कि उससे कायरता फैलेगी। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि यदि भारतवर्ष अहिंसक नहीं बनेगा तो उसका सर्वनाश समझिए, दूसरी कौमों का भी नाश समझिए। भारत एक भारी भूखंड है, यदि वो हिंसक हो जाए तो और खंडों की तरह वो भी दुर्बलों पर जबरदस्ती करेगा। यदि ऐसा हुआ तो जरा परिणाम की कल्पना तो कीजिए। मेरी राष्ट्रीयता में प्राणी मात्र का समावेश होता है, संसार की समस्त जातियों का समावेश होता है। यदि मैं भारत को अहिंसा का कायल कर सकूं, तो भारत सारे जगत को कुछ चमत्कार दिखा सकेगा। मैं नहीं समझता कि भारत दूसरे राष्ट्रों की चिता भस्म पर खड़ा होगा। मैं चाहता हूं कि वह आत्मबल प्राप्त करे और दूसरे राष्ट्रों को भी बलवान बनाए। दूसरे राष्ट्र आत्मबल का मार्ग नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए मुझे इस अटल सिद्धांत आश्रय लेना पड़ता है कि मैं कभी उस विधान को स्वीकार न करूंगा जिसका आधार पशु बल हो। राष्ट्रपति विल्सन ने 14 सिद्धांतों की रचना की और उस पर कलश चढ़ाते हुए कहा, यदि हम इस पर सफल न हुए तो हथियार तो है ही। मैं इसे पलट कर कहना चाहता हूं कि हमारे सब पार्थिव शस्त्र बेकार हुए हैं, इसलिए किसी नए शस्त्र को खोजें। चलो अब प्रेम का शस्त्र, सत्य का शस्त्र लें। यह शस्त्र जब हमें मिल जाएगा तब हमें किसी दूसरे शस्त्र की जरूरत न